प्रदेश के गांवों में 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू नहीं होगा। सरकार ने कोरोना को देखते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान को स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अभियान को स्थगित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अभियान स्थगित करने के आदेश भी जारी होंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश के 11,341 गांवों की जनता के सरकारी विभागों में अटके हुए कामों को लेकर पुराने विवाद निपटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गांव में ही कैंप लगाए जाने थे, लेकिन उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा। झालावाड़ के डग में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया और लोगों ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं इस बार मंदिरों में पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। कोरोना से उपजे हालात के बीच सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने आबू रोड स्थित मानसरोवर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों, अधिकारियों और प्रभारियों से कोविड मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आईएएस अधिकारी एटी आतोष ने ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति की जानकारी दी। वहीं विधायक संयम लोढ़ा ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को भी हालात से अवगत करवाया। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विधायक शकुंतला रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36,70,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। विधायक शकुंतला रावत की अभिशंसा पर कोविड-19 की महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही अधिकारियों को अविलंब कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए जिला परिषद की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री महोदय सराहनीय काम कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी। मैंने बानसूर के लिए कि मैंने आकर के देखा कि भाई कहां पर अपने यहां कोई ऐसी अभी विकट परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कोई सीरियस पेशेंट हो तो जो ऑक्सीजन की जो मशीन है, जो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बनाती है एक पेशेंट को तुरंत आते ही लगाने के लिए ऑक्सीमीटर की मशीन, उस वो मशीनें मैंने 5 तो बानसूर के लिए और 2-2 सभी CSC पर रामपुर, हरसोरा और नारायणपुर के लिए भी है। तो और आवश्यकता अगर कहीं अभी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो तुरंत जारी कर देंगे। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में बेड को लेकर मारामारी मची हुई है। जयपुर के अधिकांश अस्पतालों में किसी भी तरह के बेड खाली नहीं है। इसी बीच राहत की खबर आई है। जयपुर के बीलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाए गए कोविड सेंटर को शुरू कर दिया गया है। यहां पहले फेज में 768 बेड के साथ शुरुआत की जा रही है, जिनमें 150 से 200 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां जिन अस्पतालों में कम लक्षण और आइसोलेशन में रहने वाले मरीज हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि गंभीर मरीजों को अस्पतालों में उपचार मिल सके। आपको बता दें कि 10,12,320 स्क्वायर फीट में फैले इस सत्संग भवन को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां खाना बनाने और शौचालयों की भी पर्याप्त व्यवस्था है। इसके कारण 5,000 से 8,000 बेड क्षमता का कोविड सेंटर इसे बनाया जा सकता है। सेंटर में महिला और पुरुषों के लिए 384 बेड की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग वार्डो में की गई है। वहीं सेंटर पर करीब 100 डॉक्टर्स और नर्सेज को लगाया गया है। सेंटर के गेट नंबर 4 पर OPD बनाई गई है। जयपुर जिले के जोबनेर में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में दुकानदार 11 बजे बाद भी दुकान खोले बैठे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सीज किया।
थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों से बार बार समझाइश की गई, जिसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कई दुकानों के चालान काटे, तो वहीं नगर पालिका ने कई दुकानों को सीज किया है। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना में आज जयपुर ग्रामीण की जोबनेर थाना पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए करीब 20 चालान बनाए और नगर पालिका को साथ लेकर दुकान को सीज किया गया। अन्य दुकानों पर भी काफ़ी चालान बनाए गए और ये सख्त कार्रवाई जारी है। हमें सूचना मिल रही है कि कुछ लोग चोरी छुपे दुकान के पीछे से भी सामान बेचने की सूचना मिल रही है, जिनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मार्केट में जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से कार्रवाई। झुंझुनू में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए शहर कोतवाल मदन कड़वासरा ने मंडावा मोड़ पर चेक पोस्ट बनाकर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया है। उन्होंने मंडावा व चूरू की तरफ से आने जाने वाले झुंझुनू से मंडावा व चूरू की तरफ जाने वाले वाहनों को चेक किया, साथ ही बिना कोई जरूरी काम से सड़कों पर निकले वाहन चालकों के चालान भी काटे, उनसे समझाइश भी की गई। करौली के टोडा भी में जन अनुशासन पखवाड़े की अनुपालना के लिए प्रशासन लगातार आमजन से अपील कर रहा है, लेकिन कस्बे के बाजारों में लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा अपनी टीम के साथ बाजारों में गश्त पर निकले, जहां उन्होंने दुकानदारों को सावधानी बरतने की हिदायत दी, साथ ही गैर जरूरी दुकानों को सीज किया गया। इसके अलावा लापरवाही बरतते हुए घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए। खबर झालावाड़ के आवर से है, जहां बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पगारिया शाखा के गार्ड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक के स्टाफ और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गार्ड की तबीयत खराब होने पर कोरोना जांच कराई गई थी, जिसकी सोमवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे स्टाफ के भी सैंपल लिए गए। शाखा प्रबंधक रोशन लाल ने बताया कि बैंक को फिलहाल ग्राहकों के लिए बंद कर दिया गया है, जब तक स्टाफ की रिपोर्ट नहीं आती तब तक 2-3 दिन तक बैंक में लेन देन प्रभावित रहेगा। वहीं महेश की मौत के बाद आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसके कारण भय का माहौल है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पगारिया में स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के कारण अब शाखा अगले 2-3 दिन तक चिकित्सा डॉक्टर साहब के परामर्श के अनुसार बंद रहेगा। अतः इस दौरान लेन देन यदि कोई करना चाहता है तो वो नजदीकी शाखा से करे। अजमेर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगढ़ के पनेर गांव में विकास अधिकारी कृष्णकांत मीणा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास अधिकारी ने परिवादी पहलवान खान से घर के पट्टे के एवज में 9,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद 8,000 रुपए में सौदा तय हुआ। ऐसे में एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाकर आरोपी को 8,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा है। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम द्वारा पनेर के ग्राम सेवक कृष्ण मीना को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड ट्रैप किया है। परिवादी पहलवान कहाँ है जो पनेर का निवासी है, इसके आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए इसने जनवरी 2021 में आवेदन किया था, लेकिन ये लगातार इससे रिश्वत की डिमांड करके इसके काम को अटका रखा था कि 10,000 की रिश्वत देने पर ही कार्रवाई आगे की जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरु गाजी फकीर का सोमवार देर रात को जोधपुर के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे, ऐसे में गाजी फकीर का उनके पैतृक गांव झाबरा में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता फकीर के पुत्र सालेह मोहम्मद राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वहीं दिवंगत गाजी फकीर खुद भी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने गाजी फकीर के इंतकाल पर शोक जताया है।
आपको बता दें कि जैसलमेर निवासी गाजी फकीर मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु और पीर पगारों के नुमाइंदे थे। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय है। उनके खिलाफ खोली गई स्ट्रीट शीट भी बहुत चर्चा में रही थी। से है जहां सुरूड थाना क्षेत्र के चिनाईटा गांव में बदमाशों ने सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे आसपास के 24 क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर डीएसपी मैं जाते मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से घटना की जानकारी ली। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अजमेर के गंज थाना इलाके में पारिवारिक कलह के चलते पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी 13 माह की बेटी को लेकर फरार हो गया। इस बीच पड़ोसियों की मदद से परिजन युवती को लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना देहली गेट कुम्हार मोहल्ले की है, जहां रिजवान नामक युवक ने अपनी पत्नी शाहीन को पारिवारिक विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। खबर झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र से है, जहां पड़ासली गांव के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक मुकेश की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में बधिर विद्यालय के पास रिहायशी इलाके में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, तो वहीं सूचना के बाद पहुंची 2 दमकल गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। खबर झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र से है, जहां सिरपोई गांव निवासी रामप्रसाद के घर में आग लग गई। दरअसल रामप्रसाद अपनी मां और भाई के साथ रहता था। मां और भाई काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे, ऐसे में झोपड़ी में आग के चलते झोपड़ी में सो रहा रामप्रसाद आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही झोपड़ी में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर थानाधिकारी मंशी राम विश्नोई मैं जाते मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। खबर पाली जिले के सोजत से है, जहां पुलिस प्रशासन ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए वाल्मीकि समाज की बेटी का मायरा भरा। इस दौरान थानाधिकारी सीमा जाखड़ समेत कई पुलिसकर्मी वाल्मीकि समाज के रमेश के घर पहुंचे, जहां उन्होंने रमेश की बेटी किरण की शादी में 51,000 की राशि का मायरा भरा, समाज के सामने नजीज पेश की। वहीं थानाधिकारी की इस पहल का वाल्मीकि समाज ने भी स्वागत किया। थानाधिकारी सीमा जाखड़ ने बताया कि रमेश थाने में साफ सफाई का काम करता है, ऐसे में परिवार के सदस्य की तरह सभी पुलिसकर्मियों ने इस मायरे में सहयोग किया है। जब इन्होंने आके बताया कि मेरी बच्ची की शादी है, तो हमने इनको यही कहा कि वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है और हम शादियों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हम आपकी बच्ची की शादी में अवश्य आएंगे। और हमारे स्टाफ की भावना थी कि हम रमेश जो हमारे रोज रात दिन हमारे साथ में कार्य करता है, उसके घर परिवार में जब ये शुभ कार्य है तो उसको जाके संबल देंगे, और इसीलिए आज हम लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रमेश जी के घर आए हैं और इनको बच्चे और बच्ची को आशीर्वाद दिया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।